नमस्कार दोस्तों, INC मीडिया दे विच अज दे मेहमान हैं श्री दविंदर सिंह जताना जी। ये एक बैंकर, एक राइटर, कवि, मल्टी टैलेंटेड परसनैलिटी हैं। बैंकर्स दी यूनियंस दे नाल काफ़ी जुड़े रहे हैं और अज भी पेंशनर्स बारे बहुत कुछ कर रहे हैं। जताना जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, तुहाडा मैसेज मिलिया, बड़ी खुशी हुई इत्थे आके तुहाडे कोल। जताना जी, सानू बड़ी खुशी हुई कि अज तुसी साडे स्टूडियो विच आए। असी तुहाडे बारे कुछ जानना चाहते हैं, दर्शकों नू दसना चाहते हैं। सब तो पहले इस शो की शुरुआत तुहाडे बचपन तो करने हैं। तुहाडा बचपन किस तरह स्टार्ट होया, कितों दी तुसी रहन वाले? रोपड़ तहसील जिला है, जो पहले तहसील सी अंबाला डिस्ट्रिक्ट दी, उत्थों दा मेरा जन्म है। जटाणा पिंड है मेरा, मेरे नानका पिंड कुराली दे नज़दीक ही है निहोलका। और उस तो बाद मेरे उस समय मेरे फादर साहब टीचर सन डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर दे विच, पहला गिदड़वाहा दे कोल चन्नू पिंड सी, फिर उस तो बाद एक बहुत मशहूर पिंड है पंजाब दा लालोवाली, बेदियां दा पिंड करके जाने जांदा, जिहदे च कई IAS और पोलिटिकल परसनैलिटीज़ उत्थों निकलियां। कंवर लजिंदर सिंह बेदी MLA सन और कंवर महेंद्र सिंह बेदी उर्दू के बहुत बड़े शायर सन। कंवर सुरिंदर सिंह बेदी ICS करके वो भी डिप्टी कमिश्नर रहे अंबाला ज़िले के। इस किस्म का वो पिंड सीगा और सारे पिंड मोस्टली मजारियां का पिंड सी। उत्थे मेरे पिता जी जो टीचर की जॉब करते सी, रादर वो स्कूल पहली दफा उन्होंने खोलिया सी टाली दी छां थले। अरे वाह, क्या और उस पिंड च फिर मेरा बचपन बीते। जिस तरह का पिंड सी, इधरों पाकिस्तान तो मिंट गुमरी साइड तो आए सी, उन्हें दी बोली, पहरावा, उन्हें दा रहन सहन टोटल एक वक्री किस्म का सी। और वो सारे लोग उधरों ही उठ के आए सी उन्हें दिनों ची, उस तो 2-3 साल पहला, क्योंकि मेरा 1951 का बर्थ है। उस समय तक 47 तो बाद आके सैटल होंदे आ, 4 साल दे उन्होंने टाइम उन्होंने लग्या सी। मसीद दे विच ही गुरुद्वारा सी, गुरुद्वारे दे गुआंढ च साडा घर सी। सारे पिंड जिहड़ा सीगा उह छपरियां वाला सी, कानियां दी छपरियां नाल घर बनाए हुए सी लोकां दे। इक सिर्फ मसीद पक्की सी जिहड़ा बाद च गुरुद्वारा कन्वर्ट होया। और दूसरा सानू उस पिंड वालिआं ने, टीचर होण करके फादर साहब ने, एक कच्चियां इट्टां दा घर एक कमरा बना के दित्ता। उत्थे मेरा जिहड़ा है प्राइमरी भी मैं उत्थे पढ़िया उन्हां कोल। 5वीं तो बाद फिर 6वीं तो लैके 10वीं तक गवर्नमेंट हाई स्कूल फाजिलका दे विच पढ़े। उत्थे ही MR कॉलेज फाजिलका दे विच 1970 च ग्रैजुएशन की। तुसी अपनी एजुकेशन पूरी कीती, वड्डे होए, और जदों बच्चा वड्डा हो जांदा है पेरेंट्स सोचदे ने वी इंदी शादी कर दीजिए, ते तुसी पहले तुहाडी मैरिज होई या तुसी नौकरी दी तरफ? नहीं, मैं पहला ग्रैजुएशन करके जी फाजिलका तो मैं पटियाले, मेरे मामा जी रहिंदे सी, मैं उन्हां कोल कुछ देर 4-5 महीने बतीत किए उत्थे ही, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला दा हैडक्वार्टर सी पटियाला। हांजी, ते नैचुरली पटियाला बैंक दे विच इक एप्लीकेशन लाई उन्हां दिनां च, फस्ट टाइम ही शायद टेस्ट होया सी। उस तो पहला बैंकां च वैसे ही रख लेते सी, किसी ने कहता भी ये बंदा ठीक है रख लो या वटा वर जिदा भी है। पर मैं जो तो टेस्ट दे के क्लीयर करके कदे सोचा नहीं सी भी बैंक च। 1974-75 की गल है, मैं अजे मैरिज नहीं सी कीती, लेकिन किसे गल करके अरोमा होटल चंडीगढ़ च साडे लीडर सन बहुत नैशनल लैवल दे प्रभात कर, उन्होंने कितने कहा कि कॉमरेड की शादी कराओ भी किसी जगह पर। तो कॉमरेड सुदेश हुंदे सी इक साडे इलाहाबाद बैंक के पंजाब फैडरेशन के भी जनरल सैकटरी से, वो कहन लगे लड़की तो हैगी भी ये अजे मनदा नहीं है ब्याह कराने, एक कुड़ी सोहनी हैगी पर तनखाह कट लैंदी है, पंजाब सरकार दी कॉमरेडा की कुड़ी है, एक होर बैंक च लगी हुई है पैसे वध लैंदी है, सोहनी नहीं है। मैं तो चुप करके बैठा एक डाल, मेरे दोस्त से एक होर ट्रेड यूनियन च काम करदा, वो कहिंदा जी जिहड़ी दूजी कॉमरेडा की कुड़ी है सोहनी है उहदे नाल ही करा, उहदे पैसे पुछदा कोई चक्कर नहीं इहनूं। तो वह उत्थे अरोमा च गल होई तो वह सिरे चढ़ गई। कॉमरेड जगजीत सिंह बागी कम्युनिस्ट पार्टी के पंजाब पद्धर के लीडर रहे, MLA दी इलेक्शन भी 2-3 बार लड़े हैं समराला तो, और पार्टी दी कंट्रोल कमीशन दे भी चेयरमैन रहे 6-7 साल हैं जी। उस घर च मेरा रिश्ता होया और बिना कुछ दहेज तो असीं वो ब्याह कराया, बिना किसी रस्म बंधना तो, इत्थों तक कि असीं कोई धर्म वाली गल भी उत्थे एंटर नहीं होने दित्ती,
सिर्फ असी हार पा के ब्याह किया हो ते मिसाल आशीर्वाद मैंने दिता सी उस ब्याह संतोख सिंह धीर पंजाबी दे नामवर लेखक होए उन्होंने तो भरत प्रकाश ने मैनूं आशीर्वाद दिता सी लाइफ साडी बड़ी वधिया लग रही है दो बच्चे आ शहनाज आ बेटी वड्डी अमेरिका दे विच बेकर्सफील्ड शहर आ उत्थे उन्हां दा अपना छोटा बिजनेस हैगा ते साडा जवाई हैगा उह उत्थे ही उन्हां दा इक अपना एयर कंडीशनिंग दा काम है ट्रकां दा और बेटा हैगा जी नवराज सिंह ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਲੋਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਚ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਸਿਰਫ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਲਾਈਫ ਆ ਸਾਡੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਫਸਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ 1971 ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ 25 ਮਈ 1971 ਨੂੰ स्टेट बैंक ऑफ पटियाला मंडी गोबिंदगढ़ ब्रांच जी ज्वाइन की उस तो पहला जो थोड़ा समा से मेरे को 5-7 महीने का जो वेला सी ग्रेजुएशन करने तो बाद उस समय च क्योंकि लैफ्टिस्ट लीनिंग्स मेरिया हो गई शुरू तो ही प्रीत लड़ी पढ़ने का मैं शौक से वो साडे घर च पहला तो आती सी उहदा असर कुदरती तौर पर घर च गल्लां बातां च साहित करके भी उधर नूं पै गया हाजर साहब टीचर यूनियन च काम करते भी असर से और मैं भी उत्थे पटियाला दे विच जदों कुते कोई बिजली बोर्ड दे मुलाजम मजारा करन आ रहे मैं एवें ही उत्थे कोई मेरा कोई सीधा कोई संबंध नहीं सी मैं उन्हां जाके नारे लग जाने लाउण इस किस्म दा जिहड़ा रुझान रहा और 1971 च विच जदों ये आर्मी वाले पासे नहीं गल जी बनी सी कोई कारण सी उहदे तां मैं फिर आके 1971 च बैंक दे विच गोबिंदगढ़ रिलकटेंटली ज्वाइन कीता मैनूं ऐ लगदा सी वी इत्थे की करूँगा मैं एवें उत्थे गिणती मिणतियां जिहदे काम है अकाउंटेंसी जी इधर शौक मेरा है नहीं सी मेरा पहला शौक आर्मी सी दूजा शौक मेरा सी भी जे एम ए वगैरह कर जाइए तो लैक्चर प्रोफेसर इधर ही या टीचिंग लाइन च आई पर वो दोनों शौक नहीं पूरे हुए पर मैं जिस पासे भी फिर बाद एंटर होया बैंकिंग च मैं अज तो पूरी तरह सैटिस्फाइड हाँ कि मैं एक बड़ा वधिया कैरियर मिलिया उस कैरियर च मैं अपनिया जिहड़ियां लैफ्टिस्ट फीलिंग्स आ उहनां नूं भी मैं उजागर कर सकिया मैं लोकां लई बैंक मुलाजमां लई जो मैनूं करना चाहीदा सी जिस किस्म दी उह लाइफ जिउ रहे सीगे उहदे च मैं जिन्ना कु मेरा रोल सी उह मैं निभाया 40 साल दी मेरी जॉब है 40 साल च मेरा 39 ईयर्स मेरा एज ट्रेड यूनियन ऑफिस वेयर दा तजर्बा सर बैंकिंग दा जमाना मैनुअल बैंकिंग हुंदी सी उस टाइम दे कुछ एक्सपीरियंस दसो मैनुअल दा जी मैं इह समझदा अज दे देखो कुदरती है डिवेलपमेंट तो होनी है टैक्नोलॉजी डिवेलपमेंट नो कोई रोक नहीं सकता और रुकनी भी नहीं चाहिए पर उस समय दे जो तजर्बात ने जिंदगी दे लैजर दे ते लिख के काम करना और किताबों के राही सारा काम करना कंप्यूटर का बिल्कुल उस वक्त है ही नहीं सी लेकिन भी उदा एक अपना ही मजा सीगा उदों साडा परसनल टच हुंदा सी कस्टमर दे नाल आई कंटैक्ट सीगा जो अज कंप्यूटर दे जमाने च नहीं रहा और मैं याद है सानू शुरू में शायद ही कोई अजिहा कस्टमर से जिन्होंने असं परसनली नहीं जानते और वो सानू चंगी तरह जानते आपस च बैंकिंग अवर्स तो बाद भी जिंदगी साड़ी जिंदगी उन्हां नाल कितें ना कितें जिंदगी दियां सांझां जिहड़ियां सीगियां वो निभदियां रहियां अज तक भी निभ रहियां गईयां नाल वो जिहड़ा है वो तजर्बा एक अपनी किस्म दा सीगा हौली हौली सर कंप्यूटराइजेशन हो गया तुसीं कंप्यूटराइजेशन देखिया CBS हो गया ब्रांचा फिर तुहानूं किस तरह दा महसूस होया टैक्नोलॉजी चेंज हुई देखो कुछ तो यह सीगा जी मेरा जिहड़ा वाह फिर पिया क्योंकि मैं काम वाले पास्यों ट्रेड यूनियन कैरियर करके उधरों मैनूं आलमोस्ट रुखसत करता सीगा चाहे असीं जबरदस्ती होए चाहे करता गया वो फीलिंग वो नहीं फिर परसनल जहा नहीं रहा भी आह काम असीं आप करना लेकिन उन्हों एक होर एंगल तो हायर एंगल तो सानू देखने का मौका जरूर मिलया ट्रेड यूनियन दे विच उन्हां दियां तकलीफां जदों आउंदियां सीगियां कंप्यूटर बारे या उत्थों दियां जिहड़ियां दिक्कतां भी सी उन्हां नूं हैंडल करना पैंदा सी इस करके उहदी जानकारी हासिल करनी भी जरूरी हुंदी सी इहदे लई बैंकां ने ट्रेड यूनियनां नूं दे लीडरां नूं बाहर हैदराबाद सानू लिजा के 4-4, 5-5 बंदे नूं ट्रेनिंग भी दित्ती लीडरां नूं कि इहदे आ फायदे ने इस तरह सैटेलाइट काम करेगा ये मतलब लाइक दैट साडे च कुछ तबके नूं इह भी लगदा सी भी कंप्यूटर दी विरोधता करनी चाहीदी है पर असीं उस पक्ष दे नहीं सी उदों भी स्टार्टिंग च कुछ विरोध होया सी विरोधता होई सी इस नाल अनइंप्लॉयमेंट हो सकदी है कुछ आर्गेनाइजेशनां कीती भी सी और लैफ्टिस्ट आर्गेनाइजेशनां सीगियां उह भी लेकिन ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन जिहदे नाल मैं जुड़िया ना शुरू तों AIBA उहनां दी इस तरह दा तर्क नहीं सी उह उहनां नूं इह सी भी सानूं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਔਰ ਫੁੱਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪਟਿਆਲਾ ਬੈਂਕ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰੋ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰੰਟ 'ਤੇ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਓਪਰੇਟਰ ਦਾ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਓਪਰੇਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਤਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ 'ਚ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਕਬੇ 'ਚ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦਉਂਗੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਉਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੰਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਬੀਜਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦਕਿ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਠ ਤੋਂ ਪੰਜੀ ਖੱਬੇ ਸਜੇ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹੂਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁੜੂਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਿਸ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਲੋਕ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਏ ਵੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਗਿਆ, 30 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਖਾਦ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰ ਕੁਛ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ।
देखो किन्ने रिश्ता जिस तरह तुसी 5 एकड़ तो घट तक या जे 100 एकड़ वाले ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਗਰੀਬ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕੈਪਟਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਹੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਖਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਦਕਿ 80% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੇ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਗਲਤ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਕੁਛ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਲੈ ਜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੋਟਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਤੇ LIC ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਲਰਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਂਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀ ਗਿਆ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟਸ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1969-70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 77-78 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੇ 1-2 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾ ਉਹਦੇ ਬਨਿਸ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਹ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਪਰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸੈਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਚੰਗੇ ਬੋਨਸ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹਟੇ ਹੋਏ ਅਸਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
प्रॉपर जिन्नी तनखा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। वो तो नेड़े तेड़े भी नहीं है, नेड़े तेड़े भी नहीं। वही कारण है कि फ्रस्ट्रेशन है, वही कारण है कि काम इन्ना। तुम किसी ब्रांच चले जाओ, 8-9-10 बजे तक अधिकारी काम कर रहे हैं, कोई टाइम नहीं है, जान का कोई टाइम नहीं कर रहे हैं। एक हल्की फुल्की गल हो जाए बच्चे। हाँ जी, हाँ जी। सानू एक हम साडे लीडर हुंदे सी हरबंस लाल परवाना जी, पंजाब नेशनल बैंक जी, वो एक चुटकला सुनाउंदे सी अपनी स्पीच। वो कहंदे सी जदों एक विआह होया एक पंजाब नेशनल बैंक दे बंदे दा नवा नवा, ते वो रात नूं 12-1 बजे आया करे काम दी ड्यूटी तो, ते वो घरे है पेंडू सीगा, घर आके जा जाना उन्होंने कहना भी रात नूं 1 बज गया, सवेरे फिर तुर पैना 6 बजे। कहंदे उन्होंने एक घर कोई गां रखी सी, उहदा बच्चा सी गां दा, तो वो किसी वो बच्चा घड़ी के बाद छड़ा के रस्सा तड़ा के भज जा करे, तो वो कहन लगा बापू का भी बड़ा तक किया इन्हें बच्चे ने। हाँ जी, तो वो नूँ कहें जी नवी नवी आई सी, कहें बापू जी ऐ करें पंजाब नैशनल बैंक च भर्ती कराया, कहें निश्चल हो जाएगा। सो बैंकिंग दे विच वो हाल सीगा, उही हुण हो रहा। हुण अज एट प्रेजेंट भी उही हाल है, दुखी नहीं मिलदी अज दी सरकारां टोटल कारपोरेट दे अगे, जिन्हों कही पंजाबी लंबिया पईआं हुंदियां। हाँ जी, हर तरीके नाल उन्हां नूं लोन दवाना चाहुंदे आ, फिर बाद च विगड़ जाए फिर उन्हें माफ़ करना चाहुंदे आ। तुसीं एक पिछे जी सुनी सी कि जिहड़ी अज जिहड़ा 3,000 करोड़ दा जी कि ना, इह 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ पई है, 12,000 करोड़ जी। हुण जिहदे च स्केल 1-2 एक लैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे रहे भेज रहे, उन्हें बैंकिंग दे विच किवें उहनूं इह गल दी इजाजत सीगी कि उन्होंने चक के उत्थे इन्ने वड्डी अमाउंट जिहड़ी उह ट्रांसफर करती जा, उन्हें अख्तियार देते कि तुम ये अगेंस्ट इन्ना पैसा ले लो। सर जो लेवल खराब है उनकी, सारी मछलियां तो खराब नहीं है ना, एक अद्धी मछली खराब है। और वह भी बैंकिंग दे विच साढ़े मुताबक तो देखो जी ये पुष्ट पनाई सारे पास दो विच भी होंगी है, डायरेक्टर भी जिम्मेदार है, चेयरमैन जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है, प्रॉपर कोई चेकिंग नहीं। जैसे हम मैं भी बोर्ड के डायरेक्टर रहा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, छे साल मैं। हाँ जी, असं देखते सब तो पहला भी असं एज वर्कमैन डायरैक्टर से, असं हर गल माइन्यूटली देखते होंगे सके भी तुम इन्ना पैसा दे रहे हो, जी इन माफ़ कर रहे हो NPA क्यों कर रहे हो। हाँ जी, ये प्रॉपर कोई पहला सिस्टम देखो तो सही, पैसा वापस आ सकता नहीं आ सकता, तो जे असं उत्थे जाके चाह पीनी है तो बिस्कुट खा के आ जाना या वधिया 5-star होटल रह के आ जाना, तो नैचुरली फिर ये सारिया चीज़ा उतों निकल जाएं नहीं, क्योंकि देखो जो एग्जीक्यूटिव बैठा उन्हें तो करे आता, उन्होंने कई बार पता भी होंगे, लेकिन जो दूसरे डायरैक्टर बैठे बोर्ड के उत्ते उन्होंने इन्नी इन्नी वाडी अमाउंट का पता ना लगे किवें पॉसिबल है। सर CBS सिस्टम के बीच नाल दी नाल ही जानकारी उपर पहुंच जांदी है सर, और हर एक बंदा मॉनिटर भी कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर CMD वगैरह ने उन्होंने पता नहीं चलिया, वही वही तो कह रहे भी तुसी एक पेपर, ये तो है नहीं भी एक जने को निकलता पेपर। हाँ जी, एक ब्रांच तो लैके क्लर्क तो लैके अफसर फील्ड अफसर मैनेजर फिर कंट्रोलर उस बाद, क्योंकि अपने देखा ही सिस्टम ही इसका एक पेपर 5-5, 7-7 हत्थों चो निकलता, इन्ने क फिर चैकिंग होंगी है उपर, एडा वड्डा फल हो जाने भी नहीं गले थले उतर दी नहीं गल भी ये सारी मिली भुगत ना हो प्रॉपर साड़ी चैकिंग नहीं हैगी, रिजर्व बैंक की कर रहा सरकार की कर रही उन्होंने की सज़ा दवा रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो नहीं लगता इंटरनेशनल लैवल से विजय माल्या लिया बहुत बड़ी कोशिशें हो रही हैं, एवं खाना पूर्ति करी जाने कि असी वो लैटर देखता वो करता एक मीटिंग कर जाके लंडन, पर कोई इदा तो चले किवें गया इतों, उस तो पहला भी उन्हें किया 600 करोड़ का। हाँ जी, इसे विजय माल्या ने जिंकी हिस्ट्री इदा की है असं उन्होंने इन्ना फिर लोन देता 600 करोड़ रहे जी, पहला भी शायद किसी बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ से उन्हें नीरव मोदी चले गए उन्हें मारिया सी। हाँ जी, और वो पैसा जो मारिया वो तो बाद उन्होंने राज्यसभा भेजता गया। हाँ जी, वो 600 करोड़ खा पी गया ना, उन्होंने इनाम यह मिले भी वधिया यह बंदा है तो इन राज्यसभा की सीट देकर उत्थे पहुंचा, वही बंदा हुण फिर 9,000 करोड़ चले गया, पहला कोई शराब का बिजनेस किंग फिशर का हो गया कद अगे अगे बिजनेस चेंज करता रहा, वो पैसा डाइवर्ट कर लिया सारा उन्हें। सर साड़ी बैंकिंग इंडस्ट्री तो बदनाम हो रही है सर, हुई बैंकर का देखो पब्लिक सैक्टर सारे जिम्मेदार तो नहीं सर। मैं तुम्हें एक गल दसा भी सारी दुनिया के आर्थिक संकट आया बैंकिंग, प्राइवेट बैंक धड़ाधड़ फेल होए,
चाहे इंग्लैंड चाहे अमेरिका चाहे कोई यूरोपियन कंट्री इको एक जो बचा तो हिंदुस्तान बचे हिंदुस्तान बचा मैं टोटल तो टोटल यदा जरा श्रेय है वह बैंक ट्रेड यूनियन दिना वह कारण है कि असी इन्ना शिकंजा कसाया इन्होंने एन पी ए की असी किताब छापी भी जे लोगों के डायरैक्टर से फर्ज करो कि एक कंपनी के डायरैक्टर पांच नाँ पांचों के नाँ दिते और वह किताब असी राष्ट्रपति ने दिती वह किताब असी सी बी सी ने दिती देश दे और कुदरती किताब भी पटियाला बैंक ने छापी सी और उस किताब के असर किया किसी ने उन्होंने डायरैक्टर के नाम ही ने भी आह बंदा हद अदरवाइज क्यों नहीं होंगे जहाँ कंपनिया ने पैसा नहीं मोड़े एन पी ए उन्होंने ब्लैकलिस्ट करो उन्होंने खिलाफ कोई कानून ऐसा बने कानून छोटिया समाल स्केल इंडस्ट्री समाल स्के मध्य वर्गी किसान छोटा उन्होंने तो बने हुए चक्के अंदर कर देंगे असं लेकिन इन्हों कोई गरंटी नहीं कोई कुछ नहीं इस किस्म जब चलूगा तो मुल्क बैंक फेल ही होंगे उदों असी मुल्क दे बैंक बचाए है सारे एक हिंदुस्तान से जिथे बैंकिंग इंडस्ट्री तो कुछ नहीं कोई संकट नहीं आया इस किस्म का बहुत संकट नहीं आया माड़ा मोटा सेक तो लगता ही है लेकिन कोई ज़्यादा संकट नहीं आया उस टाइम और असी सरकार अपना लेंदिया भी अस वह भी ठीक है क्रेडिट लहर मनमोहन सिंह होनी सी उदों प्रधानमंत्री उन्हों का ठीक है उन्होंने भी जो चाहे प्रेशर ट्रेड यूनियन का सगा लेकिन मनते तो रह जाओ भी और असी बचे हाँ उस नहीं तो जो उदों असी लड़खड़ा जाते शायद हिंदुस्तान का नक्शा क्रामिक नक्शा ही टोटल फलियोर वाला हो के असी साडी हालत बहुत भैड़ी होंगी सर तुसी 40 साल सर्विस की फिर उस तो बाद रिटायरमेंट ले ली फिर अजे भी ट्रेड यूनियन के नाल जुड़े हुए हो कुछ पेंशनर्स के बारे कुछ कहना चाहोगे सर कोई डिमांड पेंशनर्स के बारे अजी पहले तो पेंशन लेट आई बैंकों के 25 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुई बैंकों के भी ट्रेड यूनियन का प्रैशर सीगा पर जो बेसिक पेंशन साडी जदों अज तो 25 साल पहले सीगी उहदे च एक नवे पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं हुई उमें दी उमें ही है कोई शक नहीं डीए 6 महीने बाद कुछ ना कुछ इनक्रीज होंदा लेकिन जो बेसिक पेंशन है उहदे च किसे किस्म का कोई बदलाव नहीं 23 साल तो कोई अपडेशन नहीं होई कोई अपडेशन नहीं होई उहदे च फैमिली पेंशन उहदे च कोई वाधा नहीं होया एक डीए का सीगा सिस्टम उत्थे उहदे पार पा के रखता उन्होंने कि 2000 तो पहला जिहड़े रिटायर होए सी 2001 तो उन्होंने घट डीए मिलता उदू बाद थोड़ा ठीक रेट मिल रहा इस क्या इन अनोमलीज ने बैंक जी आल इंडिया बैंक रिटायरी फैडरेशन है रिटायरियों की उन्होंने बहुत जिन्हें भी पीसफुल ढंग असी कर सकते हैं एक्शन किए 150 के करीब मैंबर पार्लीमेंट के सिग्नेचर लाए कॉन्फ्रेंसिस धरने लाए लेकिन अजे तक उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलिया हाँ कोर्टा ने जरूर कितने कितने सानू राहत दी है हमने पिछे जे कुछ अनोमलीज सीगिया पेंशन सुप्रीम कोर्ट ने दतिया वो लेकिन जो सीनियर सिटीजन के नाल व्यवहार होना चाहिए वह नहीं हो रहा और वो लोग ने जोड़े जनरल मेजर रिटायर हो अज के कलर्क नो घट पेंशन लै रहे बड़े दुख की गल और नैचुरली तुम कहते हो सुसाइड की करे बंदा वो जरा बैंक च जी एम रिटायर होया और दूजे पासे पी नाल भी घट पेंशन लेंदा होवे तो उन्हें तो दसद शर्म आती होनी मैं की लैंना इतों सो गवर्नमेंट ने वाल तवज्जो देनी चाहिए है हूँ असं पार्लीमेंट तो ही आस रख सकते हैं 150 MP तो सिग्नेचर किए पार्लीमेंट जो हों आप देखे ही है टोटल का टोटल सैशन वाश आउट हो जाता कोई गल ही नहीं उठी होती सर कोई बोलना भी नहीं चाहता कोई बोलना भी नहीं चाहता चाहते चंगा इस तरह ही ठीक है निकल जाए कोई प्रिंट मीडिया नहीं बोलता कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं बोलता कुछ लोग आए एक कह सी रवीश नू शाबाश दें कोई तो जर्नलिस्ट जर्नलिज्म पूरा उतरिया जिहड़ा लोगों दियां खास तौर पर इस तो बहुत खुश हैं कि बैंकिंग दे जिहड़े पेंशनर्स ने दूजे सानूं बड़ी आस बची है भी कोई गल पहुँचाने वाला तो आया होया ना अगे सामने आया उम्मीद है असीं तां उम्मीद रख सकते हैं कि इहदे च कोई चंगे नतीजे आउंदी जिहड़ी आपस इहनां दी होणी आ बाईपार्टाइट उहदे कोई चंगे नतीजे निकल सर तुसीं कोई अपने दिल की गल कहना चाहते हो ताकि सरकार तक पहुँचे दिल की गल ये जी देखो ओवरऑल भी ट्रेड यूनियन जे उन्हों जो माहौल पहले समय च हों कुछ तो ट्रेड यूनियन की अपनी कमजोरी भी है कि तुम वक् वक् पार्टिया के झंडिया थले वंडे गए सारे वो थोड़ी आपसी जी एकता से नज़र नहीं कितने आँगी सब इकट्ठे हो सब एक प्लेटफार्म से इकट्ठे हो ना एक जग प्लेटफार्म से इकट्ठे होना चाहते हो कोई फोरम इदा बना जिदा बैंकिंग यूनाइटेड फोरम बनया हुआ डिफरेंट एंगल्स ट्रेडियां कट्ठिया हो गए एक अपनी मंगा पेश कर दियाँ सो इस किस्म का एक तो इधरों भी उद्यम नहीं आ होना चाहिए दूसरे सरकारों भी जिस किस्म का जे तुम देश में तरक्की दे राह लैके जाना तो ट्रेड यूनियन जेड़िया हैल्दी सोच वाली काम
कुछ वो डिवेलपमेंट भी करना चाहती हैं, मला तो मुलाजम की डिवेलपमेंट भी करना चाहती हैं, उन्होंने नाल मिल बैठ के कुछ ना कुछ रस्ते जोड़े है लेबर मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने क्ढने चाहिए यार। ये क्ढन गए जो ओवरऑल प्रधानमंत्री की सोच उधर या उस पार्टी जी राज कर रही है वो सोच उधर होगी, देश सिर्फ उन्होंने हज़ार क कारपोरेटा की सपोर्ट से आके खड़ा हो जाए बाकियों सबनों छड़ दे उसी वो देश तरक् विकास नहीं कर सकता। एवं कागजा च गल्लां करी जानियां वक्री गल सारे नाल लैके जद तक नहीं चलते थले तो लैके उपर तक कारपोरेटा का एक अपना रोल है वो अपना रोल प्ले कर समाज के लिए भी तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना जो नहीं करते तो वो कुछ सख्ती भी होनी चाहिए सरकार की भी उन्होंने कितने उन्होंने ब्रेक लानी है। बड़ा सोहना सिस्टम अपनाया हिंदुस्तान ने मिक्सड इकोनमी का जिद कि पब्लिक सैक्टर प्राइवेट सैक्टर साइड बाय साइड चलन वो एक दूजे दमियां जड़िया उन्होंने भी पल वो कर देख और जे प्राइवेट सैक्टर चंगा काम करेगा पब्लिक सैक्टर नाल है तो नैचुरली उन्हें मुकाबला करना पड़ेगा जिमें असी बैंकों किया पहले समय से प्राइवेट बैंकों ICICI बैंक या दूसरे जोड़े से HDFC आए थे उन्होंने मुकाबला करने वास्ते चंगी सर्विस देनी शुरू की पब्लिक सैक्टर के जिन्नी कि भी वो वो और बेनीफिट हो पब्लिक सैक्टर स्ट्रोंग हो पर जे माल्या वर्गे लोग या नीरज मोदी वर्गे लोग टक्कर गए तो फिर तो कोई बहुत आस नहीं ना फिर तो सरकार तो आस की जा सकती है उन्होंने पकड़ो यह जो नत्थ पाओ उन्हें दोबारा क्यों लोन देंगे जे बंद जे माल्या एक बार पकड़िया गया दोबारा इन्ने पैसे देने की की लोड़ सी फिर जब ट्रैक हिस्ट्री माड़ी है। दोस्तों अज एक छोटी जी मुलाकात सी श्री जतानंद जी नाल बहुत अच्छी खुल के गल की इन्होंने बैंकिंग सैक्टर की सारी गल की किसानों के बारे गल की हर एक तबके उत्ते गल की पेंशन की डिमांड्स बारे भी गल की। मेरा सरकार को रिक्वेस्ट है अनुरोध है कि सीनियर सिटीजन के बारे कुछ सोचो कुछ बैंकिंग के बारे सोचो ताकि आने वाली पीढ़ियाँ ये कह सकन कि गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी दी बुजुर्गों उन्होंने उन्होंने आशीर्वाद लो। थैंक यू।